साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो, और इसकी रिक्वेस्ट तब से आ रही थी जब से मैंने अमेज़ॉन से कुछ सामान मंगाया था। तो डिसाइड किया कि मैं अपनी किचन का मेकओवर करूँगी, चेंज करूँगी और एक बहुत ही खूबसूरत मैं DIY बनाऊँगी, जिसे बनाने का मेरा मन काफ़ी दिनों से था। और ये एक वॉल DIY है जो कि बिल्कुल दीवार पर मैं बनाऊँगी। तो एक्चुअली जो किचन की वॉल्स हैं इन पे जो कलर हो रहा था वो पर्पल कलर हो रहा था, और यहाँ पे रखी हुई थी एक रैक जो कि मैंने हटा दी है, आप लोगों ने वीडियोस में देखी होगी। इस किचन का मेकओवर मैंने लास्ट ईयर किया था और बिल्कुल DIYs में से ही बनाकर किया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप लोग ज़रूर चेक करिएगा। उसे बनाने के बाद भी किचन बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन अब क्योंकि मुझे ये पर्पल कलर हटाना था तो इस वजह से मुझे मेकओवर करना था। मेन रीज़न यही था कि मुझे ये कलर नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि किचन मेरी बहुत छोटी है और इस कलर की वजह से जो किचन है वो और छोटी लगने लगती है। तो मुझे इसकी वॉल का कलर चेंज करना था और वॉल पे DIY भी बनाना था। तो बाकी किचन तो ऐसे ही रहेगी, तो मैंने थोड़ा बहुत सामान निकाल दिया किचन का बाहर और सब कवर कर दिया ताकि सफाई करने में आसानी रहे। और हाँ, मैंने किचन के लिए कुछ नया फर्नीचर भी खरीदा है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो काम स्टार्ट हुआ वो हुआ इस पर्पल कलर को चेंज करके वाइट कलर लगाने का। तो पूरी किचन मैंने कवर कर दी है और ये सब जो वॉल शेल्फ हैं ये सब मैं हटा दूंगी। ये वॉल शेल्फ बड़ी आरामदायक रहती हैं किचन में, छोटा छोटा काफ़ी सामान आ जाता है, डेकोर पर्पस के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। पहले तो मैंने काफ़ी सारी वॉल शेल्फ अपनी किचन में लगा रखी थी, आप लोगों ने पुराने वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले शुरू हुआ दीवार की बीमारी को सही करने का काम। तो जैसा कि होता है, सबसे पहला स्टेप जो सीलन होती है या छेद होते हैं उन सबको भरने का काम होता है, तो उसके लिए मैं वॉल पुट्टी का यूज़ करती हूँ, जो बिरला की जो वॉल पुट्टी आती, कोई भी वॉल पुट्टी आती है। और वैसे पेंट कैसे करें इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, और उस वीडियो को बनाने का रीज़न ही ये था कि मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बता पाऊँ कि किस तरह से आप खुद पेंट कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे मैंने अभी अपनी मेड भी नहीं बुलाई है वापस, क्योंकि कोरोना का एक ऐसा टाइम है जिसमें कि मैं अभी थोड़ा सा जो है प्रिकॉशन ले रही हूँ, तो इस वजह से ये सब काम खुद ही करने हैं। और हाँ, जो जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ, कोई भी काम हो तो उसे सीखना चाहिए, कब पता नहीं उसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो इसी तरह से जब पहले पेंट होते थे घर में तो मैं बहुत नोटिस करती थी और काफ़ी कुछ चीज़ें मैं उसमें सीख गई। तो मैंने इसीलिए वो एक जो वीडियो बनाया है ना कि जिसमें किस तरह से आप लोग पेंट करें घर पे खुद ही, तो उसको आप लोग ज़रूर चेक करिएगा, पूरी स्टेप बाय स्टेप उसमें आपको नॉलेज मिल जाएगी। और वैसे ये बिल्कुल भी टफ काम नहीं है, बड़े ही आराम से हो जाता है। और इस पर मैंने पहले प्राइमर कर दिया क्योंकि वाइट कलर चढ़ाना थोड़ा इस पर मुश्किल था, और प्राइमर करने के बाद जो मैंने एक रूम पेंट किया था अभी उसका वाइट कलर जो बचा हुआ था वही मैंने वाइट कलर सिंपल जो था वही मैंने ले लिया है इसमें, और उसी से मैंने सिंगल कोट पेंट कर दिया है। पेंट करते टाइम थोड़ा सा जो है पेशेंस हमें रखना है क्योंकि ये एक बहुत ही धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। और वैसे भी अब जब फेस्टिवल आएंगे तो उससे पहले मैं जो छोटी छोटी दीवारें खराब हो रही हैं उनको सही कर लूंगी, क्योंकि उस टाइम पे तो सिर्फ खाने पीने पे ही फोकस रहता है। और हाँ, इसके किचन के लिए जो एक मैंने खरीदी है ये क्रॉकरी यूनिट है बेसिकली। यहाँ पे पहले रैक रखी हुई थी जो कि ओपन थी, जिसमें कि काफ़ी सारी गंदगी बार बार चली जाती थी क्योंकि बच्चे क्या होते हैं बार बार जो है सामान निकालने में उसे गंदा कर दिया करते थे। तो मैंने ये एक क्रॉकरी यूनिट खरीदी है, लोकल शॉप से खरीदी है, और ये मुझे 15,500 रुपये की पड़ी है। काफ़ी बड़ी है ये, और एक्चुअली ये बोर्ड की बनी हुई है, बढ़िया बोर्ड इसमें लगा हुआ है, तो ये ड्यूरेबल भी है। और इसमें ऊपर की तरफ ड्रॉर्स हैं, नीचे इसमें जैसे क्रॉकरी वगैरह रखने के लिए ना कांच के जो हैं ग्लास के दरवाजे हैं, तो ये मुझे पसंद आई थी। पसंद तो सबसे पहले मुझे इसलिए आई थी कि इसके ऊपर की जो माइका है उसका जो कलर वगैरह है ना वो बहुत सुंदर है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई टाइल रखी हुई है उसके ऊपर। अंदर भी काफ़ी जगह है इसमें,
और वैसे भी मेरी जो किचन है ना, उसके दरवाजे टूट गए हैं काफी सारे। वो रीजन मैं आपको बताऊंगी कैसे टूट गए हैं। इसकी वजह से मुझे इसको लेना जरूरी था। और हमेशा मैं कुछ ना कुछ लाइनिंग तो बिछाए बगैर अलमारी में सामान नहीं रखती हूँ, तो मैं ये एक बिल्कुल मैचिंग की लाइनिंग ले आई थी, जो कि बिल्कुल देखिए इसी तरीके की मैचिंग है जैसे इस पे माइका लगी हुई है, और मैंने पूरी इस पर बिछा ली है। और अब इसका ऑर्गेनाइजेशन मैं किस तरह से करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी, और काफी सारा सामान जो है इसमें आ जाएगा। अब देखिए, अब यह है वॉल डीआईवाई बनाने का टाइम। मैंने क्या किया, इस पूरी वॉल पर कॉर्नर की तरफ पे एक सर्किल बना लिया। ये पूरा सर्किल नहीं है, थोड़ा सा सर्किल कटा हुआ है, ये मैंने पेंसिल और धागे की मदद से बनाया। और अब इसमें मैंने पेंट किया, पेंट मैंने किया एशियन पेंट का, मेटालिक कलर पेंट किया है इसमें। एक्चुअली मैंने जो इसमें पेंट किया है वो मेरे पास जो था, एक तो एंटीक कलर का गोल्डन कलर था, एक प्योर गोल्डन था, लेकिन दोनों ही जो है काफी कम थे, मतलब पूरा नहीं था। तो मैंने पहला कोट तो इसमें एंटीक जो गोल्डन कलर है उससे कर दिया, और सेकेंड कोट जो है मैं प्योर गोल्डन कलर से कर दूंगी, क्योंकि दोनों ही मेरे पास थोड़े थोड़े से थे। जो ये मेटालिक कलर होते हैं ये बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट देते हैं वॉल पे, जब आप इनको लगाते हैं अब बहुत ही बढ़िया सा इफेक्ट इनका आ जाता है। मैंने तो अपने एक रूम में जो है पूरे रूम में एक येलो कलर गोल्डन कलर का जो है मेटालिक पेंट करवा रखा है। अब जब तक ये सूखेगा तब तक और बाकी का सामान लगा लेते हैं। ये वही सारा सामान है जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया था। इस वाली जो घड़ी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मैंने लास्ट ईयर अमेजोन से परचेस करी थी। बहुत ही बढ़िया लगती है, सुंदर लगती है ये। इसकी सुइयां हिल गई हैं, तो टाइम इसमें अभी सही नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे उठाने में इसकी सुइयां काफी हिल गई हैं। तो अब ये सारे जो भी मेरे जो अमेजोन से खरीदा हुआ सामान था वो मैंने वॉल पे लगा दिया। और वाइट कलर की वॉल से एक तो जो किचन है वो काफी बड़ी लगने लगी, और काफी सारा जो सामान जो भी मैंने इसमें लगाया था वो सारा सामान बहुत ही अच्छा लगने लगा। अब इसी के साथ साथ मैंने क्या किया, मुझे जो ये सर्किल है इस पे वॉल शेल्फ लगानी थी, तो मैंने ड्रिल मशीन से ही यहाँ पे ड्रिल कर लिया। ये काम थोड़ा सा शानू ने किया। ड्रिल मशीन तो घर में होनी ही चाहिए, सिंपल ड्रिल मशीन है, आपके साथ मैंने शेयर करी हुई है ये। और इसके बाद जो अब दूसरा कोट मैंने किया वो किया मैंने गोल्डन कलर से, प्योर गोल्ड जो कलर है एशियन पेंट्स का मेटालिक वाला, वही कलर मैंने इसके ऊपर किया। अगर आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वॉल पे, तो मेटालिक कलर को आप ज़रूर देखिएगा शॉप पर जाकर, और बहुत ही अच्छी अच्छी रेंज में ये आते हैं, कलर्स में आते हैं, और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो ये देखिए गोल्डन कलर कितना बढ़िया इसमें निकल कर आया। और अब इस DIY में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये ली मैंने सिंपल रस्सी, देखिए ये बिल्कुल सादी रस्सी है जो नॉर्मली घरों में रहती है। अब इससे मुझे DIY बनाना है। बीच में आपको धब्बा सा दिख रहा है, एक्चुअली वो कलर अभी सूखा नहीं है इसलिए वो दिख रहा है आपको। तो मैंने ग्लूगन की मदद से इस रस्सी को कुछ इस तरह के डिज़ाइन में जो है चिपका लिया। और आप इस DIY को अगर अपने लिविंग रूम में बनाएंगे तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा। लिविंग रूम में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, आप कहीं पे भी इसको बना सकते हैं। और मेरा तो काफ़ी दिनों से मन था इसको बनाने का, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। एक बार काफ़ी पहले, मैं आपको बताऊं, जब मैं पुराने वाले घर में रहती थी तब काफ़ी पहले मैंने कुछ इस तरह का DIY भी अपने जो है घर में अपने बेडरूम में बनाया था, और ये बहुत ही सुंदर लगता है और हमेशा ही नया सा लगता है। और इस तरह से देखिए इसके ऊपर मैंने ये रस्सी लगा ली। अब जो किनारे की तरफ था, जो सर्किल की जो बाउंड्री थी उस पर भी मैंने इस तरह से इस रस्सी को डबल करके, क्योंकि ये रस्सी पतली थी, डबल करके लगा दिया। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत DIY रेडी हो जाएगा, और ये हमेशा ही अच्छा लगता है। मतलब दोबारा पेंट करने का जब तक नंबर आएगा तब तक ये इतना ही सुंदर लगेगा, और मुझे तो ये बहुत पसंद आया बनने के बाद भी। और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और कलर्स, आप मेटालिक कलर्स अगर खरीदें तो एक बार शॉप पे जाके कैटलॉग ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स इसमें हैं। तो इस तरह से ये रेडी हो गया मेरा पूरा सर्किल, और इसमें लग गई ये देखिए रैक, वॉल शेल्फ सॉरी। तो ये वॉल शेल्फ वही है जो पुरानी वाली है। इस सब का लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। और अब मैंने इसके ऊपर जो छोटे छोटे से डेकोर पीसेज हैं, शो पीसेज हैं, या जो मेरी अचारदानी वगैरह हैं, वो सब मैंने लगा दी, और ये बहुत ही खूबसूरत लगने लगा। और वैसे भी जैसे ही किचन में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो वो सुंदर लगने लगती है। तो अभी फिलहाल तो देखिए कुछ इस तरह से ये वॉल लगी, बिल्कुल चेंज हो गई। किचन कॉर्नर्स वगैरह पे जो छोटी छोटी सी चीज़ें थी
उनको भी मैंने पेंट कर दिया है और जो डेकोर पीसेस हैं उन्हें बिल्कुल अलग अलग तरीके से लगा दिया है। किचन में जो कर्टेन था उसको मैंने हटा दिया है और अब आप देखिए ये आपको कैसा लग रहा है। It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. तो ये था मेरा किचन के मेकओवर का एक वीडियो। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि जितनी दिखने में मेहनत लगती है उससे कहीं ज्यादा मेहनत इन सब कामों में हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है आप जरूर इसको लाइक करेंगे और अगर आपके पास कोई भी आइडिया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।